नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। लघु उद्योग भारतीय द्वारा मध्य प्रदेश के देवास में पहली बार 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल कंक्लेव और स्वयं सिद्धि इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है, जहां इस कार्यक्रम की शुरुआत कल से ही हो चुकी है। जहां आज उद्यमी सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें विशेष रूप से प्रदेश के सभी व्यापारी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। यहां वे कुनकुरी विकास खंड के शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में बंदर चुहा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए आज बिलासपुर से रवाना होंगे तीर्थयात्रियों का जत्था। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत यहां से 146 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। मेरठ में 16 साल बाद गुदरी बाजार के तिहरे हत्याकांड मामले में अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन 2 पवन कुमार शुक्ला की कोर्ट ने सोमवार को इजलाल कुरैसी और शिवा सिरोही समेत 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। किशनगंज से पूर्णिया जा रही यात्री बस में शहर के खगरा ओवरब्रिज पर पहुंचते ही अचानक आग लग गई, जहां बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी यात्री सुकुशल बाहर निकल गए। वहीं सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन दस्ता भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने पोस्ट कर लिखा, जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। सितंबर महीने में होगा पंजाब में ग्राम पंचायत का चुनाव, जहां भगवंत मान सरकार ने हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए दी जानकारी। एक दिन के अंदर घग्घर में 4 गुना बढ़ा पानी, हरियाणा के किसानों को सताने लगा है बाढ़ का डर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और अब वो भारत आ चुकी हैं, जहां उन्होंने NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की है। साथ ही ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और माना जा रहा है कि वो जल्दी ही लंदन जा सकती है। पेरिस ओलंपिक में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का अभियान आज से शुरू होना है, जहां उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ऐसे में अब एक बार फिर से वह भारत को पदक दिला सकते हैं, जिसको लेकर पूरे भारत को उन पर उम्मीद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक आज से शुरू होगी। इसके निर्णय 8 अगस्त 2024 को घोषित किए जाएंगे। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक नीतिगत ब्याज दर रेपो दर को यथावत रख सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां इस दौरान वह हनुमान गढ़ी एवं श्री राम लला का दर्शन कर पूजन करेंगे और विकास कार्यों का भी समीक्षा करेंगे। बता दें कि सपा नेता की धरदंगी के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला अयोध्या दौरा है। झारखंड में आज से मानसून के फिर से सक्रिय होने का अनुमान है, जहां मौसम विभाग के अनुसार आज संथाल, कोल्हान और रांची समेत अन्य जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं संथाल में कहीं कहीं भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने रविवार की रात को जरूरी आधार पर स्पेशल सुनवाई कर इंडोनेशिया से आए एक जहाज को हल्दिया बंदरगाह पर आगामी 8 अगस्त तक रोक कर रखने का आदेश दिया है। यह जहाज सोमवार को सुबह 7 बजे रवाना होने वाली थी। मालूम हो कि एक पेपर कंपनी ने कहा है कि हल्दिया बंदरगाह पर क्षतिग्रस्त माल की आपूर्ति करके जहाज भारत छोड़कर पनामा जा रहा था। इसे नहीं रोके जाने पर उसे कई करोड़ का नुकसान होगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एक्स पर अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से कच्छ भुज के कांग्रेसी नेता SH अहीर का कुर्सी खींचकर महिला पुलिसकर्मियों
कर्मियों को गिरा देने वाला वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से दलित और महिला विरोधी रही है। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के कारण एक फैक्ट्री की दीवार ढहने से शेड में रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधाएं। उत्तराखंड के गुंजी में बनेंगे ग्लास होम हट्स। NIT जमशेदपुर की एक छात्रा को पहली बार रिकॉर्ड 1.23 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया गया है। यह पैकेज एक अमेरिकी कंपनी रूब्रिक ने छात्रा को ऑफर किया है, जिसकी जानकारी NIT जमशेदपुर ने वर्ष 2023-24 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जारी करते हुए दिया। बता दें कि सृष्टि चिरानिया नाम की यह छात्रा मूल रूप से बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। मध्य प्रदेश के देवास के लोगों ने इस वर्ष वर्षा का पानी जमीन में उतारने का अनोखा आंदोलन शुरू किया, जिसका असर दिखने लगा है। जहां इस सीजन में 200 करोड़ लीटर पानी जमीन में उतारने का अद्भुत काम कर दिखाया गया। पिछले वर्ष तक वर्षा का जो पानी व्यर्थ सड़कों पर बह जाता था, वह अब सीधे जमीन में जाकर भूजल स्तर बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट व्याप्त हो गया है, जहां बांग्लादेश की PM रही शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा देकर सैन्य विमान से भारत आ गई है। अब इस मामले पर कंगना रनावत ने तंज कसते हुए कहा कि शेख हसीना को भारत सुरक्षित लग रहा है, तो अब समझ जाइए कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है और राम राज की क्यों आवश्यकता है। 5 अगस्त को ऐतिहासिक दिन पर LOC पर संदिग्ध घुसपैठियों की हलचल बढ़ गई थी, जहां सेना के जवानों ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तलाशी अभियान भी जारी किया गया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट करके साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।